बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूं जी आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। आपने ये है यार, वीजा लगा हुआ है, बहुत से बंदों का लगा हुआ है। न्यू वीजा होल्डर जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, इंडिया में बैठे हुए हैं, या जो मेरे भाई यहां से छुट्टी पर गए थे, उनके छुट्टी की भाई स्टैंप तो लगी हुई है, देख लें, तो वापसी का सफर नहीं हो सकता है। सऊदी अरेबिया इंटरनेशनल फ्लाइट तो अभी तक बंद है। इसके मुताबिक कुछ न्यूज सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं। अच्छा, मुख्तलिफ डेट बताई जा रही हैं, यानी कि छठे माह की पहली तारीख, छठे माह की दसवीं तारीख, छठे माह की पंद्रह तारीख, कुछ बंदे बोल रहे हैं हज से पहले, कुछ बंदे बोल रहे हैं सिर्फ एक हफ्ते में। यानी कि मुख्तलिफ डेट बताई जा रही है कि सऊदी अरेबिया अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट पाकिस्तान, मैं आपको पहले हर वीडियो में बताता हूँ, अभी भी बता दूं भाई, तमाम तर शरायत लागू की जा रही है सऊदी अरेबिया की तरफ से कि ये शरायत आप भाई जरूर कंप्लीट कीजिए, चाहे पाकिस्तान में, चाहे इंडिया में, चाहे किसी भी कंट्री में है। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान और इंडिया की फ्लाइट्स ओपन नहीं की है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। कुछ जो डेट वगैरह भी मैंने आपको बताया सामने आ रही है कि इस डेट को, फलाने दिन को, फलानी तारीख को सऊदी अरेबिया इंटरनेशनल फ्लाइट बहाल की जा रही है पाकिस्तान और इंडिया के लिए। तो ये तमाम तर बंदे आप भाइयों के साथ झूठ बोल रहे हैं। मैंने आपको ये पासपोर्ट इसलिए दिखा रहा हूँ, कुछ बंदे भाई अपने पासपोर्ट को देख रहे हैं, वीजे को देख रहे हैं कि भाई मेरी 15 दिन छुट्टी रहेगी, 20 दिन रहेगी, एक माह रहेगी है, तो क्या बनेगा भाई? आप वैक्सीन लगवाएं, वैक्सीन आप एक खुराक लगवाई हो आपने, उसके बाद जब सऊदी अरेबिया अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स ओपन करेगा तो आपके उसके साथ ही बहुत सी और भी न्यूज बता दी जाएंगी। कौन से बंदे सऊदी अरेबिया में पाकिस्तानी या इंडिया से सफर कर सकते हैं, तो उन बंदों के लिए हम जैसे ही फ्लाइट्स ओपन होंगी उनको वो तमाम तर शरायत से भी आगाह कर देंगे। आपने एक वैक्सीन की डोज तो लगवाई हो ना कम अज कम, उसके बाद ही, यानी कि दूसरी डोज का तो 3 से 4 माह बाद ही टाइम आता है, लेकिन एक आपने लगवाई हो, एक लगवा कर रखें आप रेडी रहें, जैसे ही फ्लाइट्स ओपन होंगी जो भी उसके साथ शरायत बताई जाएंगी वो आप भाई को साथ में आगे आने वाली न्यूज में वक्तन फक्तन उससे अपडेट जरूर करता रहूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी।